सिंघू बॉर्डर पर इस समय आप मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय जो तमाम जो निहंग सिख है वो यहां पर मौजूद हैं, और इसी जगह जो है जो सुबह घटनाक्रम हुआ था यहीं पर हुआ था। लेकिन गुस्सा इनमें ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये कहा है कि उनसे हमारा लेना देना नहीं है, यानी कि जिन लोगों की तरफ से यह सब कुछ किया गया उनसे हमारा लेना देना नहीं है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की अगर कोई मदद चाहिए होगी तो वो भी जो है मोर्चा देने को तैयार है। इस समय जो बाबा जी है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, जो उसी मोर्चे में जो है आप देख सकते हैं जो सुबह यहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसमें यहाँ पर ये मौजूद थे या नहीं थे, इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या बताना चाहेंगे कि कौन वह व्यक्ति था जिस जो यहाँ पर आया था, आपने बताया कि आप ही के ग्रुप में जो है वो शामिल हो गया था जिसके बाद जो उसके साथ ऐसा किया गया। देखो जी बात जब ये गल है भी जरा यह घटनाक्रम है इनू यदिया तारा बड़िया पिछों जुड़िया हुई ने, जिस तरह वो मुंडे नू शरेआम लाल किले के सामने गोली मारी जाती है, नवनीत सिंह अथरू गांह के गोले छड के किसानों नू शहीद किया जाता है, बाद च घोड़े शहीद होंदे आ, उदों बाद लखीमपुर खीरी दे विच गड्डियां उत्ते चढ़ा दित्तियां जांदियां ने, उदों बाद इह चौथा चौथा पंजवां जिहड़ा घटनाक्रम है इह उहनां एजेंसियां ने जिहड़े बंदे गड्डियां चढ़ाउण वाले ने उह ही काम इह करन वाले ने। तो बाबा जी आपने बताया कि वो यहाँ पर वो शख्स यहाँ के बीच में शामिल हुआ हुआ था दो तीन दिन से, तरन तरन का हरांकि वो रहने वाला है, लखबीर सिंह उसका नाम, उसकी पहचान हो गई है। हाँ, तो आपने रात को पकड़ा उसको या सुबह ही पकड़ा? वो सुबह पकड़ा उन्होंने 3:30 बजे। 3:30 बजे। हाँ। तो आपको लगता नहीं, क्योंकि देश भर में निंदा हो रही है, विदेशों में निंदा हो रही है कि एक इंसानी जान की कीमत होती है, उसको आप पुलिस के हवाले कर सकते थे, कोई ना कोई संयुक्त किसान मोर्चा के हवाले कर सकते थे, लेकिन इस तरह से बेरहमी से उसका हाथ काट देना, उसको तड़पने के लिए जो है छोड़ देना, उससे कहीं ना कहीं देश भर के लोग निंदा कर रहे हैं, आपके खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो जी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कोई बात नहीं, असीं जिहड़े सतगुरां दे वास्ते काम कीता असीं उहनां दे नाल ही उह गल दे उत्ते पूरे खड़े हां। जे संगत ने इह काम कर दिता, भीड़ ने काम कर दिता, कोई माड़ा कर्म नहीं कीता इह, जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मानदे तां इह संगत ने इह काम कीता। बाबा जी आप सभी लोग उसमें शामिल, जो वीडियो जैसे बनाई गई आपकी तरफ से, कहा गया कि अच्छा किया गया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की जा रही थी, किस तरह से वो बेअदबी कर रहा था, वो शख्स क्या कर रहा था? इस तरह कर रहा सी वो जो सिंह अमृत वेले जो इशनान करके बाणी पढ़ता है वो गया होया सी कि इशनान करन वास्ते क्रिया करन वास्ते, उन्हें समा देख के वह पालकी साहब के अंदर बढ़ गया, उन्हें साडा सर्व लोग ग्रंथ चुक के इस पासे नूं दौड़ गया, एक तलवार सी हत्थ दे विच पालकां खिलार दित्तियां, वीडियो साडे कोल आ, तो वो तो बाद फड़िया गया, जो तो फड़िया गया फिर जिस तरह हुण भीड़ इकट्ठी हुई है इस तरह भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ इकट्ठी होने तो बाद फिर नहीं पता लग्या भी की बने। सोनीपत पुलिस के जो एसपी हैं जशनदीप सिंह रंधावा, उन्होंने साफ कह दिया है कि आप लोग अगर जिस आपकी तरफ से ये कदम उठाया गया उसकी हत्या की गई, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी होगी, धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस यहाँ पर किसी भी समय गिरफ्तारी करने आ सकती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी वो जिहड़ा संगत का कर्म सी संगत ने कर लिया, जो राज्य वाले ने करना सी वो राज्य वाले ने करना, जिहड़ा हुण पुलिस ने करना पुलिस कर लवे। तो वो काम किसने किया, आप लोगों में से थे या कुछ और बाहर के लोग थे, क्योंकि आप ही के यहाँ पर सुबह कुछ? नहीं नहीं वो भीड़ का काम है जी, वो किसी का विशेष बंदे का नाम नहीं है, वो भीड़ इकट्ठी हुई है, भीड़ के किहदा नाम ले देंगे चेहरा, मतलब मामला सिर्फ जो है निहंग सिखों के ऊपर आ रहा है, टारगेट निहंग सिखों को करा जा रहा है कि निहंग सिखों का एक ग्रुप है सिंघू बॉर्डर पे, उन्होंने जो है उस शख्स की हत्या की है। ये जथेबंदियां ने ग्रुप नहीं है जी, ये वड्डी गल है, बाकी जिहड़ी गल है सानू टारगेट करदे ने करी जाण, सानू इहदे नाल कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि जो भीड़ थी उनको रोक तो आप भी सकते थे, आपके पास भी तलवारें थे, किसी ने आप कह रहे हैं कि भीड़ ने मार दिया उसको, रोक तो आप भी सकते थे कि गलत किया, मारा गया तो गलत था? भीड़ 1984 में दिल्ली के शहर में नागलोई में त्रिपुड़ी में वहाँ करौल बाग में सभी जगह निकाल निकाल के पंजाबियों को फूका गया, दा भीड़ ने तब उनको क्यों नहीं काबू किया, अगर काबू होती भीड़ तो। जब उस व्यक्ति को मार के यहाँ पर लटकाया गया था, हालांकि उसको अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसको वो बचाई जा सकती थी, जान बचाई जा सकती थी, उसमें तो आप सभी लोग थे, आप उसको हॉस्पिटल ले जा सकते थे, जान बचाई जा सकती थी उसकी? वो इन संगत का सवाल है ना, उनको करो ना, मैंने तो नहीं ना उसको लटकाया। और एक ये बात भी सामने आई है कि जो शव था शव को भी आप लोगों ने उठाने नहीं दिया, पुलिस ने काफी देर बाद जो है बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए, वो बाद में लेके गए, वो ले गए उनको किसी ने रोका। तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ आपकी संगत द्वारा किया गया या जो लोग आपके साथ थे क्या वो सही किया गया या गलत किया गया? वो संगत ने सही किया है। ऐसा क्या हुआ कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते थे? नहीं, कार्रवाइयां पहले बहुत हुई ने, बहुत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अग्न भेट हुए ने, बहुत महाराज स्वरूपां की बेअदबियां हुई ने, जिन्होंने फड़िया जाता वो उससे बड़े उन्होंने बाद में छड़ देंगे। तो अगर गिरफ्तारी होती है उसका क्या विरोध करेंगे या खुले में गिरफ्तारी आप देंगे? कोई नहीं, गुरु गिरफ्तारी खुले देंगे, ता ही कोई चोरी की थी। बलबीर राजेवाल का जो बयान आया है, संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आया कि जो निहंग सिख जिनकी तरफ से ये किया गया है वो अगर प्रशासन जाए पुलिस जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। राजेवाल अपने गाँव में बैठा है, जो संगत हमारे साथ खड़ी है, सही बात है, वो बैठा बैठने दो, उसको बोलना बोलने दो,
संगत जो संगत ने जिसने किया वो साथ यहाँ पर बैठे सभी किसानों के आगू हैं वो, अगर किसान मोर्चा के जो तमाम लीडर्स हैं तो वो आपको क्या लगता है कि ऐसा फैसला क्यों सुनाया होगा उनके? वो आगू वो उनके आगू है ना, जो आगू उनके ही हैं, इनसे बड़ा आगू है ना जो जिसके लिए जो काम हुआ है वो अंदर बैठा है गुरु ग्रंथ साहब महाराज। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो पैसे भी लेते हैं, नेता लोग पैसे लेते हैं इसलिए वो ये चीज बोल रहे हैं, ऐसी भी कोई बात है? ये नहीं पता सानू पैसे लेंदे कि नहीं लेंदे, उन्होंने विषय है ये, तुम उन्होंने पूछो भी लेंदे हो कि नहीं लेंदे हो। लेकिन भविष्य में इस तरह का घटनाक्रम ना हो, चाहे ना ही आप लोगों के द्वारा ना ही संगत द्वारा, तो उसके लिए कुछ होगा आगे से? एक बार गलती हो गई होगी, लेकिन गलत था वो, इंसानी जान को इस तरह से तड़पा तड़पा के मारना, तो ऐसा तो कहीं गुरु ग्रंथ साहब में भी नहीं लिखा हुआ? नहीं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किशकाए, जे साडी पत लथ दी है फिर जेड़ा खाना पीना साडा हराम है, जे असीं अपनी पत नहीं असीं गुरु अपने दी पत नहीं बचा सकते, असीं अपनी पत है संसार दी पत की बचाणी है असीं। बाबा जी कानून भी है, कोई चीज कानून भी बना हुआ है, आप उसका सम्मान करते हैं? कदों का बनया होया जी? मतलब काफी सालों से चल रहा है, आप लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं उसको? नहीं, तुसीं मानते हो कानून नूं? जी बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं देखो गलत होता मानते हो ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब बरगाड़ी कांड होया, कोटकपुरा कांड होया, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी, हालांकि कई मामलों में नहीं हुई है। कौन पकड़ा गया कानून, किसने पकड़ा कानून को, आप बताओ? तो अब आगामी कोई क्या रहेगी रणनीति, अगर पुलिस यहाँ पर आती है आप लोगों को गिरफ्तार करती है तो उस पर क्या किया जाएगा? वो क्या गिरफ्तार करेंगे तो कर लेंगे तो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो कोई विरोध या कोई हिंसा तो नहीं होनी चाहिए? हिंसा क्यों करेंगे, हिंसा हमारा धर्म ही नहीं है। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो सही हुआ, हमने या संगत ने हमारे मौजूद में अगर उस व्यक्ति की हत्या की, उसको हाथ काटा, उसका कलाई काटी, उसकी बेरहमी से उसको लटका दिया गया, तो सही किया वो यार? इतनी बात दोहराते क्यों तुम? आप बताओ आप क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तो अब एक अंत में संयुक्त किसान हमारे को दोषी ठहराना नहीं बाबा जी, हम ये कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के लिए अंत में क्या एक दो शब्द आपके लिए? मेरे शब्द यही है ना भी राज्यवाल साडे नाल संबंध रखना चाहुंदा ना रखे, पर साडा संबंध राज्यवाल दे नाल नहीं, साडा संबंध हैगा मोर्चे दे नाल, असीं मोर्चे दे नाल संबंध रख के बैठे हां और रखांगे मरदे दम तक रखांगे। आज यहाँ पर दशहरे पर एक पुतला भी फूका जाना था, क्या फूका जाएगा अभी या नहीं? नहीं, पुतला तो लेके गए हैं पुलिस वाले सुबह से, फूका पता नहीं। तो पुलिस वाले ले गए थे उसको? हाँ। तो आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो निहंग सिख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इसी जगह पर वो घटनाक्रम सुबह होता है, यहीं पर सामने बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जिसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है, जो तरन तारण का है, जो पहचान हुई है, पहले आपको पता था कि तरन तारण का है ये लखबीर सिंह है? नहीं, उन्हें पे अपना सब कुछ आइडेंटिटी वगैरह उन्हें सारे लुका के रखी थी, वो इतने सीआईडी करता है, सेवा नहीं करना होता, मौजूद नहीं सी। ऐसे हमने सुना कि निहंग सिखों के ग्रुप में तो सिर्फ वो जो विश्वसनीय लोग होते हैं सिर्फ वही शामिल हो सकते हैं, तो कैसे वो दो तीन दिन से आपके बीच में रह रहा था? जैसे आप खड़े हो ऐसे वो खड़ गया आगे। हम तो 5 मिनट के लिए आए, वो तो 2-3 दिन से रह रहा था, ऐसे 2 दिन जहाँ नहीं रहा था वो आता था जाता था आता जाता था। तो बिल्कुल ये तस्वीरें समय सिंघू बॉर्डर से आप देख रहे थे, जहाँ पर जिस जगह पर यह घटनाक्रम होता है, जिस व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो जाती है, इसी जगह पर उसको लटका दिया जाता है आप देख सकते हैं। और हालांकि जो तमाम वे निहंग सिख है उनकी तरफ से कहना यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कहा गया वो गलत कहा गया, वो तो यहां पर किसानों के लिए यहां पर खड़े हैं इस तरह की बात कही गई, हालांकि उनसे तमाम सवाल जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने जरूर पहुंचे कि कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लिया गया, एक व्यक्ति की इस तरह से हत्या की गई वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यह गलत नहीं है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी उनकी तरफ से उस व्यक्ति की तरफ से की गई थी जिसकी पहचान लखबीर सिंह जो तरन तारण पंजाब का रहने वाला है, और वो इस घटनाक्रम को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर अपनी राय दीजिए कि जो कुछ हुआ क्या वह सही हुआ या गलत हुआ, क्यों निश्चित तौर पर एक इंसानी जान की कीमत होती है, एक इंसानी जान को इस तरह से अगर बड़ी बेरहमी से उसको तड़पा तड़पा कर मारा जाए तो कहीं ना कहीं गलत होता है। अगर आप कानून का सहारा ले सकते हैं, अगर किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है तो उसको आप गिरफ्तार करवाकर पुलिस के हवाले कर सकते हैं, नजदीकी कुंडली थाना है, लेकिन इस तरह का कोई भी पहल नहीं की गई और इसी जगह पर उसको पहले उसकी कलाई काटी जाती है, फिर उसको मारा पीटा जाता है और उसको इसी तरह से तड़पने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, हालांकि काफी देर तक शव भी नहीं दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस जो है उस व्यक्ति का जो शव था लखबीर सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है उसको सोनीपत के सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाती है, जहां पर उसका बोर्ड के तहत जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं सोनीपत के एसपी जयसंदीप सिंह रंधावा वे अन्य पुलिस अधिकारियों की कुंडली थाना में इस समय मीटिंग चल रही है और उन्होंने साफ कह दिया है कि जिन भी व्यक्ति की तरफ से यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सिंघू बॉर्डर।